बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया आपको कि सीडीए की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना सबसे आसान काम है, क्योंकि ये एक आसान केक और मीठा केक है, बड़ा ज़बरदस्त केक है और लैंड ग्रैबर तो इसको बहुत शौक़ के साथ खाते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं रावल डैम के जो गिरदोनवा में जो इलाका है, जहाँ पे रावल डैम का जो एक्सियन वगैरह भी वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन वो हैं पंजाब से हैं। अब वहाँ पे इमारतें बनना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किससे इजाज़त ली है। जगह सीडीए की है, पंजाब गवर्नमेंट जो है अपने दफातर बना रही है, उनकी रिहायशें बना रही है, ये किस खाते में बन रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, आप गए भी होंगे वहाँ पे, पहले तो आप मुझे कानूनी लिहाज से बता दें कि सीडीए के बाइलाज क्या कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो तामीरात हो रही हैं रावल डैम पे, उसकी हम फुटेज भी अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं साथ साथ, तो वो किस कानून के तहत ये सारी वारदात हो रही? मांगड़ साहब, जैसे हम शुरू करते हैं अक्सर के जी, पहले तो जो इस्लामाबाद है इसके लिए सीडीए ऑर्डीनेंस बना। सही। उस सीडीए ऑर्डीनेंस में लिखा हुआ है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग ऑल अरेंजमेंट्स फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल। बिल्कुल सही। सीडीए बन गई। हाँ। उसके बाद फिर मास्टर प्लान है सीडीए का। सही। कि कहाँ क्या बनना है। सबसे अहम जो बात है वो दो चीज़ें जेहन में रखने वाली हैं कि मास्टर प्लान और सीडीए जो भी रेगुलेशन बनाएगा वो पूरे आईसीटी पे लागू होते हैं। लिखा होता है कि इट वुड एक्सटेंड टू ऑल ओवर आईसीटी एरिया। सही। सो चाहे कोई गवर्नमेंट पंजाब है, चाहे कोई दूसरा फेडरल अदारा है, किसी अदारे की कोई भी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो सीडीए की आप कह लें हदूद से बाहर नहीं है, सीडीए के इख्तियार से बाहर नहीं है। सही। अब जो बात आपने की पार्टिकुलरली रावल डैम और इस तरह की, मैं दो तीन चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा इसमें। एक तो सीडीए के बिल्डिंग बाई लॉज हैं। सही। जो 1985 में बने थे और अभी 2020 में फिर ये रिवाइज हुए हैं। उसका पहला सेंटेंस है कि दीज रेगुलेशंस वुड एक्सटेंड टू ओवरऑल आईसीटी एरिया। सही। अब बात यह है कि जब हम रावल डैम, अब मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि मैं उधर से पार्क रोड से गुजर रहा था तो एक बिल्डिंग नहीं है, 3-4 बिल्डिंग्स बन रही हैं। और वो उनका दो प्रॉब्लम उनके साथ, और सीडीए की जगह पे बन रही है। जी, मैं उधर आता हूँ। देखिए, सीडीए की जगह एक तो यह है कि वो राइट ऑफ वे है पार्क रोड का। सही। अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद, जो पार्क रोड का राइट ऑफ वे है वो 600 फुट है, 300 फीट ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। तो अगर मौके से देखें, और वो बिल्कुल उस राइट ऑफ वे के अंदर बन रही है। और मजे वाली बात है कि ये राइट ऑफ वे डिफाइंड है ऑल अलोंग। आप सिर्फ बंदे के पास प्लान ना भी हो तो बंदा दूर से खड़ा के, यार ये चीजें तो पीछे, ये क्यों आगे हैं। नंबर वन के वो बिल्डिंग जो है वो राइट ऑफ वे में बन रही है। सही। इसी तरह दूसरी बिल्डिंग जो मुझे बड़ी खटकती है जब भी मैं गुजरता हूँ, आप इतवार बाजार है HNI में, उसके साथ कंक्रीट ह्यूज स्ट्रक्चर बन रहा है इन द राइट ऑफ वे ऑफ कश्मीर हाईवे, जिसको आजकल श्रीनगर हाईवे कहा जाता है। मेरे भाई, राइट ऑफ वे की डेफिनेशन जो है वो मास्टर प्लान में ये नहीं है कि आप पक्के कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफिसेज वहां पे बनाएं। सो इन दोनों का दिन अब आ जाए बिल्डिंग रेगुलेशन कि अगर ये बिल्डिंग्स राइट ऑफ वे में ना होती, इवन देन पूछा जाए कि इनके बिल्डिंग प्लान्स किसने पास किए हैं जब ये राइट ऑफ वे में बन रही हैं। नंबर वन, रोड के राइट ऑफ वे जो है मास्टर प्लान की वायलेशन है। नंबर टू, जो आपके बिल्डिंग रेगुलेशन है, बिल्डिंग बाइलाज है, जिनका जिम्मेदार बिल्डिंग कंट्रोल डायरेक्टोरेट जनरल है। मेरे भाई, वो उसने कभी उनका उधर नहीं किया, बंदा HNI से कहीं नहीं गुजरा कि भाई ये बिल्डिंग बगैर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के कैसे बन रही इतने ह्यूज स्ट्रक्चर्स। तो हो सकता है संधू साहब के ये जो बिल्डिंग कंट्रोल वाले हैं, इनकी कुकरे इनकी आंखों में पड़ गए हों। चेयरमैन साहब को चाहिए कि एक सरकारी डॉक्टर बुला के इनकी आंखें चेक करवा लें। मेरा ख्याल है कि आंखें चेक कराने की बजाय कुछ और चेक चेयरमैन साहब खुद ही कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट कि क्यों इनसे नहीं पूछा जाता कि बिल्डिंग कंट्रोल में 3 डायरेक्टोरेट हैं इस वक्त और एक DG है, नीचे डेप्टी डायरेक्टर्स हैं, ADs हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, जिनका काम ही फील्ड में फिरना है। तो क्या इन बिल्डिंग्स की तरफ कभी किसी ने पूछा कि भाई कोई बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाए, किसी ने आपको परमिशन दी है? सबसे पहले प्लानिंग ने परमिशन देनी है, उसके बाद बिल्डिंग बाइलॉज के तहत बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव होने हैं, किसी के पास इतना टाइम हो, लेकिन अगर ये बिल्डिंग कंक्रीट की बन गई, जैसे हमने पॉइंट आउट किया रावल डैम में, रावल डैम के साथ राइट ऑफ वे ऑफ द पार्क रोड और दूसरी कंक्रीट ह्यूज स्ट्रक्चर इन द राइट ऑफ वे ऑफ श्रीनगर हाईवे, तो ये कब हटेंगी, कैसे हटेंगी? लिहाजा आईसोर बन जाएगा ऑन परमानेंट बेसिस। जो रावल डैम वाली बिल्डिंग है उनका तो एक और भी बड़ा इशू है कि जो कुरंग साथ जहां से स्पिलवे बना हुआ है रावल डैम का, मेरे भाई उसके किनारे पे है। और उन्होंने एक और काम किया कि पार्क रोड से डायरेक्ट एंट्री कंस्ट्रक्शन के लिए निकाल ली है। इधर किसी प्राइवेट डेवलपर ने करना हो ना, या मैं आपको बताऊं अपनी कि मैं डीजी सिविक मैनेजमेंट था, तो हमने अपनी वेस्ट डंपिंग के लिए अगर कोई जगह चाहिए होती थी तो एनवायरमेंट वाले के कहते थे पहले जनाब हमसे परमिशन ले कि इधर रास्ता बनाना है। हाँ। उधर रास्ता भी बन गया डायरेक्ट पार्क रोड से कोरंग के बिल्कुल किनारे पे राइट ऑफ वे के अंदर विदाउट अप्रूवल बिल्डिंग प्लान्स। इतनी वायलेशन है तो चेयरमैन साहब से दरखास्त है कि इन दो केसेस को टेकअप करें और जो जो मुतलका सबको एक टेबल पे वन टाइम बैठा लें कि अभी, ताकि कोई एक जिम्मेदारी दूसरे पे ना डाल सके। और अरबों रुपए मालियत की ये भी जगह जाके देखिए, आप देख ले जो प्राइसेस हैं जमीन की। मैडम मेरा है कि अरबों रुपए मालियत के साथ साथ इनसे जो इनकन्वीनियंस होती है ना, जहाँ शहर के बाई लॉज मास्टर प्लान रेगुलेशन की वायलेशन होती है, वो बड़ी तकलीफ दे है। और जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं ये स्पिलवेज के साथ जो बनी है इमारतें, तो इससे स्पिलवेज को भी कोई खतरा हो सकता है? या स्पिलवे का जिन दिनों इसका खुलते हैं ना स्पिलवे, हाँ। उस वक्त ये पानी बाज़ औक़ात ओवरफ्लो करता है, हाँ। तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी कोई हुई है, कोई स्टडी हुई है, हाइड्रोलॉजी, हाँ। नाले की हाइड्रोलॉजी भी होती है। अगर कोई बिल्डिंग बनानी हो, अगर हम किसी प्राइवेट बंदे से ऐसी अप्रूवल देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि आप अपनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी भी कराएं कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होना, उसमें सराउंडिंग भी देखते हैं। और साथ हम कहते हैं कि अगर किसी नाले के पास है तो आप हाइड्रोलॉजी स्टडी जमा कराएंगे कि जी इस नाले से इसको खतरा नहीं है या नाले से इसको खतरा तो नहीं है। अब तो ये तो मसलन एक मिसाल, ये वैसे बनाई तो पंजाब गवर्नमेंट के लोगों ने है। पंजाब ने वहां पे एक्सीएन का स्मॉल डैम्स का ऑफिस है, हाँ। लेकिन मेरे भाई जैसे मैंने कहा सीडीए के रेगुलेशन, सीडीए का मास्टर प्लान, सीडीए के बाईलॉज ऑल ओवर आईसीटी पे एप्लीकेबल है। अगर कोई बंदा आपका घर है, आपने प्लाट खरीद लिया, तो आप कहेंगे मैं सीडीए के ला रही हूँ, मेरा घर है, मेरी जमीन है। भाई जमीन अगर आपकी है भी तो क्या वो सीडीए के मास्टर प्लान में किस काम के लिए है? सही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्होंने इफ्तिताह कर दिया, अब नाला कोरंग की जो जमीन है इंशाल्लाह उसके ऊपर कब्जे शुरू हो जाएंगे। चेयरमैन साहब के लिए मैं फूड फॉर थाट और दे दूं, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए मारगला के पास, किसी और मतलब जिस मौजों में उन्होंने डेवलपमेंट की है उन मौजा टोटल एक्वायर्ड है, हाँ। लेकिन वहां पे शामलात के नाम पे पता नहीं क्या गदर हुआ है। उस इलाके के लोग गवाह हैं कि आई वाज डीजी एनफोर्समेंट, तो पहले मैंने जाकर ट्रालियां भी पकड़ी, मैंने मारा भी क्योंकि गिराया उसको, उसकी पादाश में मुझे कहीं बहुत हाई लेवल पे बुलाया भी गया कि जी आपको इससे क्या इशू है? मैंने कहा दिस इज सीडीए लैंड, राइट ऑफ वे ऑफ द कुरंग, इसमें जो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सही। तो मेरा मतलब कि ये फील्ड स्टाफ क्या करता है? मैंने उनके ट्रक पकड़े उस वक्त, तो एनवायरमेंट वालों ने पता चला तीसरे दिन छोड़ दिए थे। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन देख लें, फिर है ना मीठा केक, इस्लामाबाद की ज़मीन कोई भी कब्ज़ा कर सकता है। अब इफ्तिताह किया है कब्ज़ा माफिया ने, ये इफ्तिताह तो किया है सरकारी सरपरस्ती में स्मॉल डैम वालों ने, इसका नुकसान भी उठाएंगे चूँकि बिल्कुल जब अभी बारिशों का सीज़न आएगा तो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे फिर। लेकिन अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, हाँ। चेयरमैन साहब रोक सकते हैं, अगर इनको सज़ा देंगे तो बाकी नहीं आएंगे, लेकिन अगर इनको सज़ा ना हुई तो नाला कोरंग की ज़मीन पे अब कब्ज़ों को कोई नहीं रोक सकता। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।